देश के गौरव, आपके माटी के सपूत, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को अखिल भारतीय स्तर पर नई ऊर्जा मिली है, दिशा मिली है। ऐसे हमारे ऊर्जावान यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन गडकरी जी, महाराष्ट्र प्रदेश के संघर्षशील युवा अध्यक्ष आदरणीय सुधीर भावी भाऊ मुनगंटीवार जी, राष्ट्रीय सचिव माननीय किरीट समैया जी, बंबई के अध्यक्ष संघर्षशील नेता आदरणीय गोपाल शेट्टी जी, महाराष्ट्र प्रदेश के युवा महामंत्री आदरणीय विनोद तावड़े जी, उत्तर भारतीय मोर्चे के अध्यक्ष आदरणीय मृत्युंजय पांडे जी, मुंबई के उत्तर भारतीय मोर्चे के अध्यक्ष आदरणीय शमशेर सिंह जी, आदरणीय श्री आर्यू सिंह जी, आदरणीय श्री सुरेंद्र दुबे जी, आदरणीय श्री आर डी यादव जी, आदरणीय श्री राजेश शर्मा जी, पूर्व उप महापौर आदरणीय बहन विद्या जी, आदरणीय श्री जयप्रकाश ठाकुर जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के मंत्री आदरणीय मेजर सुनील दत्त द्विवेदी जी, उपस्थित सभी सम्मानित मंचासीन नेतागण तथा इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान बंधुओं, आदरणीय माताओं, प्रिय बहनों, मुझे आज उत्तर भारतीय मोर्चे के द्वारा आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सत्कार कार्यक्रम में आने का अवसर मिला। निश्चित ही यहां आकर के आप सब लोगों को उपस्थित पाकर के मैं आह्लादित हूं, और एक बार मैं आप सभी लोगों को सर झुका करके प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, लोगों को स्नेह अर्पित करता हूं।
बलिदान दिया, जेल गए और स्वराज साकार किया। इसी भूमि से जब देश को मापने की साजिश हो गई तो इसी भूमि से पुत्र नंदन कैसा है कुमार जी ने संदेश दिया। इसलिए महाराष्ट्र पूरे देश के लिए स्वाभिमान स्वराज और राष्ट्रवाद के प्रेरणा का केंद्र है, प्रेरणा की भूमि है। इसलिए मैं इस भूमि को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। हमारा सांस्कृतिक संबंध भी अटूट है। पैदा किया,
से भी निकालना सदा संतान है। इसलिए ऐसे आवेश करते हैं कि आपके मन में ऐसा भाव है कि आप राष्ट्रपिता से अलग। लेकिन ये बाधा हो सकता है, लेकिन आपका इरादा अगर अच्छा है तो सामने चट्टान ही काम है। आप उसको भी तोड़ेंगे, उसको भी हटाएंगे, आगे बढ़ेंगे। भारत मां के सपूत है और भारत को मजबूत करेंगे। गर्व होना चाहिए। जब यहां घटनाएं हो रही थी, हम लोग भी उत्तर प्रदेश में भ्रमण करते थे, जिलों में जाते थे, तो लोग कहते थे क्या हो रहा है, बोल नहीं रहे। आपके बीच आकर के एक संबंध है, हमारे परिवार के लोग हैं यहां, हम भी आपके साथ रख करके उनका जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में आपके सहयोगी बनेंगे, आपके साथ चलेंगे। आप सब संकल्प लीजिए कि हमारे लिए पहले राष्ट्र है, फिर हमारी पार्टी है, फिर हमारा व्यक्तिगत आकांक्षा और स्वार्थ है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप सब संकल्प लें। माननीय नितिन गडकरी जी का आप उत्साह से सत्कार करें। आप सबने हमें जो स्नेह दिया, सत्कार किया, माल्यार्पण किया, उसके लिए हम आयोजकों के आभारी हैं। और आप सब को अपनी शुभकामना देते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि आप सब आगे बढ़िए, एकजुट होइए और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाइए। धन्यवाद।